So now we are going to start our next question. Problem number 29. It says that which of the following statement is true? First option mein given hai ki let fx be continuous integrable function on R such that fx greater than 0 or fx plus f of x plus 1 it is greater than 0 for all x belongs to R. Then integration minus infinity to plus infinity fx greater than 0. This one is greater than 0 and second option mein hai ki this one greater than 0 or this integration minus infinity to plus infinity fx dx it is less than 0 respective. Okay, so yahi change hai, just ye jo last part hai ye differ kar raha hai dono option, correct. To abhi dekhte hai one by one. Jo given conditions hai, these are fx is continuous plus integrable function. ओके, ये दो कंडीशन गिवन है. मोर ओवर एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ये क्योंकि ये एक इंटीग्रेबल फंक्शन है एंड कंटिन्यूस फंक्शन है, सो यहाँ से आपको डायरेक्टली जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इट इज़ ग्रेटर देन जीरो बाई प्रॉपर्टी. ओके, तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है, ये होल्ड करेगा. बट अभी ये जो सेकेंड कंडीशन गिवन है दैट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इट इज़ ग्रेटर देन जीरो, तो इसके ऊपर बेस करके हम लोग को क्या आंसर मिलने वाला है यही अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे. ओके, दैट इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन इट इज़ ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. सो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, करेक्ट. तो नाउ परफॉर्म दिस इंटीग्रेशन दैट इज इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इट इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, करेक्ट. अभी आप क्या करोगे, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आपको सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल टू एक्स प्लस वन. सब्स्टिट्यूट दिस वन, फाइन. तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये जो क्वांटिटी है लिमिट आप चेंज कर लो y से, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड f ऑफ y यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, डी वाई इज टू डी एक्स, सो इट इज़ डी वाई, करेक्ट. दैट मीन्स दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इज नथिंग बट ग्रेटर देन दिस क्वान्टिटी, फाइन. अभी आप क्या करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको जस्ट क्या करना है, वेरिएबल जो है वो चेंज कर लेना है एंड डिरेक्टली आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, करेक्ट. दैट इमीडिएटली इम्प्लाइज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, करेक्ट. तो इस तरह आपका ये जो फर्स्ट ऑप्शन में था वो करेक्ट हो रहा है, फाइन. इन बोथ केसेस दैट इज़ एफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा फिर भी ये होल्ड करेगा, अदरवाइज अगर ये होल्ड करता है दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन देन ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, करेक्ट. आपका तो फर्स्ट जो कंडीशन है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट सेकेंड कंडीशन के लिए ये आपको काम करना है. ओके, बहुत ही एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. आई होप यू गॉट द पॉइंट. एंड अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. ओके, बाय.